येदियुरप्पा की विदाई पर बोले सिद्धारमैया, सिर्फ सीएम बदलने से नहीं बनेगी बात। मीराबाई चानू भारत लौटी, टोक्यो ओलंपिक्स में सिल्वर मेडल जीतने वाली मीराबाई चानू भारत लौटी। किसान नेता राकेश टिकैत का बड़ा बयान, 15 अगस्त को झंडा फहराएंगे, अगर मांग नहीं मानी गई तो लखनऊ को दिल्ली बना देंगे। असम मिजोरम सीमा पर चली गोली, अमित शाह की मुख्यमंत्रियों से विवाद सुलझाने की अपील। नई शिक्षा नीति को एक साल होने पर संबोधन, 29 जुलाई को पीएम नरेंद्र मोदी करेंगे संबोधित, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में और मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। कानपुर में नवनिर्वाचित बने भाजपा कार्यालय के विरोध में सपाइयों ने विरोध प्रदर्शन किया है। बीजेपी कार्यालय के बाहर सपाइयों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। सपाइयों ने कहा है कि अस्पताल को 5 स्टार बीजेपी कार्यालय बना दिया गया है, वहीं अगर सपा सरकार बनेगी तो बीजेपी कार्यालय को ध्वस्त कर अस्पताल बना दिया जाएगा। वहीं सुल्तानपुर में दबंगों ने पूर्व प्रधान पर हमला बोल दिया है, जिसके बाद इलाज के लिए पूर्व प्रधान को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं घटना से नाराज ग्रामीणों ने अयोध्या प्रयागराज हाईवे पर जाम लगाया है। घटना के बाद मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने घंटों मशक्कत के बाद कार्रवाई का आश्वासन दिया है। आज ये रात्रि में राम मूर्ति यादव है, ये पूर्व प्रधान है, ये एक जगह से दावत खा के लौट रहे थे, तो रास्ते में इनको जो ये 6 लेन का जो हाईवे का अंडर पास है वहाँ पे कुछ लोग थे, जिसमें इनको एक आदमी को ही पहचानते हैं जो कि कदीर सना बशीर है, वो और उसके गांव के काफ़ी लोग इकट्ठा होकर लाठी डंडे से इन पर वार किए, इससे इन्हें चोट आई थी। इस संबंध में इनके द्वारा तहरीर प्राप्त की जा रही है और तहरीर प्राप्त है। वही मैनपुरी में मिशन अमर शहीद अमर जवान टीम की जिला इकाई द्वारा कारगिल विजय दिवस पर सभी ग्रामवासियों ने कारगिल में शहीद मुनीश यादव समाधि स्थल पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर श्रद्धांजलि दी है। यह जानकारी देते हुए मिशन के संस्थापक धर्मेंद्र अजानी ने बताया है कि देश सेवा के लिए उन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं की है। वहीं अन्ना जनपद के जिलाधिकारी रविंद्र कुमार और उप जिलाधिकारी राकेश कुमार के कुशल निर्देशन में प्रशासन की मौजूदगी में नहर विभाग खाली कराया जा रहा है। सभी अवैध बने हुए मकानों को जेसीबी द्वारा गिराकर नहर को खाली कराने का काम किया जा रहा है, जिसमें उन्नाव जनपद के कई थानों के फोर्स मौजूद होकर अपनी निगरानी में सरकारी नहर को खाली करवा रहे हैं। वहीं सुल्तानपुर में आजाद समाज पार्टी ने जोरदार प्रदर्शन किया है। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया है कि पुलिस उनके कार्यकर्ताओं का लगातार उत्पीड़न कर रही है, लिहाजा जिलाधिकारी को ज्ञापन देकर उन्होंने कार्रवाई की मांग की है। इतना ही नहीं, जिलाध्यक्ष विजय राणा ने जिला प्रशासन को 15 दिनों का समय भी दिया है, अगर इस दौरान कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न बंद ना हुआ तो बड़े आंदोलन की चेतावनी भी दी गई है। फिलहाल ज्ञापन लेने के बाद जिलाधिकारी रविश गुप्ता ने आजाद समाज पार्टी के मामले में अधिकारियों को जायज कार्यों के लिए निर्देशित किया है। दो तीन इश्यूज थे, एक इशू था किसी जमीन पे सीआरओ कोर्ट से स्टे हो रहा था, परंतु उस पर जो विपक्षी वो स्टे को मान नहीं रहा, म्यूजियम सदर साहब को कहा गया कि सदर तहसील का मैटर कि न्यायालय आदेश का सम्मान होना चाहिए, और यदि कोई गुंडाई कर रहा है तो उसके विरुद्ध फिर गुंडे जैसा बर्ताव करते हुए कार्रवाई यदि रूप से करने ताकि न्यायालय के आदेश का सम्मान हो। उसके अलावा एक प्रकरण में ये बताया गया कि किसी कार्यकर्ता के विरुद्ध गुंडा एक्ट की कार्रवाई प्रेषित की गई है, जबकि उसमें दो पक्ष लड़े थे, दोनों पे कार्रवाई होनी चाहिए। तो उसमें हमने यही कहा कि जो पक्ष का पुलिस के द्वारा नहीं किया गया है वो हमारे यहाँ एप्लीकेशन में भी गुंडा एक्ट में भी प्रावधान है कि प्राइवेट एप्लीकेशन पे भी जांच कराए कार्रवाई की जा सके, तो उसको यहाँ से चेक करा गया। रुक करते अगली खबर की ओर। कानपुर के काशी राम ट्रामा सेंटर में एम्बुलेंस कर्मचारियों का 3 दिन से धरना प्रदर्शन जारी है, जिसमें प्रदर्शन कर रहे एम्बुलेंस कर्मचारियों ने कोरोना काल में दिए हुए कोरोना योद्धा सम्मान के सर्टिफिकेट को जलाकर अपना विरोध दर्ज कराया है।
उनका कहना था कि कोरोना काल में सबसे ज्यादा एम्बुलेंस कर्मचारियों ने जान जोखिम में डालकर काम किया है, जिसमें उनको पूरी तरह से इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है और कई दिनों से अपनी मांगों को लेकर प्रदेश सरकार से भी इसकी गुहार लगा चुके हैं। उन्होंने कहा है कि सरकार जब उनकी बात सुन ही नहीं रही है तो यह कोरोना योद्धा सम्मान रखने से क्या फायदा। उन्होंने पूर्व की तरह शासन और प्रशासन को ज्ञापन के माध्यम से अवगत करा दिया था, लेकिन अभी तक हमारे पास कोई स्वास्थ्य विभाग का आला अधिकारी, कोई शासन प्रशासन का अधिकारी या कोई भी नेता हमारे पास अभी तक नहीं आया है। आज जैसा कि हमारा तीसरा दिन है, जो हम लोगों को कोरोना के दौरान सम्मान पत्र मिला था, उस सम्मान पत्र को आज हम लोग आपके हवाले करके वापस करने का काम करेंगे, क्योंकि इन कागज टुकड़ों से हमारा। वही मैनपुरी में एम्बुलेंस चालक अपनी मांगों को लेकर जिला अस्पताल के प्रांगण में धरना प्रदर्शन करने पर मजबूर हो गए। उनका आरोप है कि बीजेपी सरकार में सरकारी नौकरियों को कंपनी के द्वारा टेंडर उठाने पर निजीकरण कर दिया गया है और अपने मनमाने तरीके से पहले से कार्यरत कर्मचारियों से काम कराना चाह रहे हैं, जिसके लिए निजी कंपनियों में जॉब के नाम पर चाहे वह नए कर्मचारी हो या पहले से कार्यरत, उनसे धन वसूली की जा रही है। रुक करते अगली खबर की ओर। कुशीनगर में एम्बुलेंस कर्मियों ने हड़ताल की है। एम्बुलेंस कर्मियों ने 6 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया है। एम्बुलेंस कर्मियों ने जिला मुख्यालय स्थित बुद्धा पार्क में हड़ताल की। उनका कहना है कि कोरोना काल में पीएम मोदी ने उन्हें देवदूत कहा और आज जब वो लोग बेरोजगारी के कगार पर हैं, साथ ही उनका ये भी कहना है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं की जाएंगी तब तक वो धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। वही लखनऊ में भी एम्बुलेंस कर्मियों ने चक्का जाम किया है। सैकड़ों एम्बुलेंस इको गार्डन में खड़ी करके चालकों ने यह धरना प्रदर्शन किया है। 25 जुलाई से एम्बुलेंस कर्मी धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। इस वजह से मरीजों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। 5 सूत्रीय मांगों को लेकर यह धरना दिया जा रहा है। वहीं वाराणसी के कांस्टेबल ने राष्ट्रपति से इच्छा मृत्यु की मांग की है। आपको बता दें कि उच्च न्यायालय इलाहाबाद के बेल नोटिस का जवाब समय अवधि में उपलब्ध नहीं कराने के प्रकरण में स्पष्ट रूप से जातिगत दुर्भावना करके दोषियों को संरक्षण देकर ईमानदार पुलिसकर्मी को दोषी बना दिया गया, जिसके क्रम में उसे विभागीय परिनिंदा प्रविष्टि प्रदान की गई है। इसी को लेकर उनसे इसने इच्छा मृत्यु की मांग की है। वहीं प्रतापगढ़ के लालगंज थाना क्षेत्र के जलेसरगंज थारूपुर में आक्रोशित ग्रामीणों ने थाने का घेराव कर लिया। पीड़ित का आरोप है कि वह नरेगा में मजदूरी करके घर वापस लौट रहा था। गांव के ही व्यक्ति द्वारा जब वह मजदूरी करके घर वापस आ रहा था तो उससे अभद्रता की गई। जब उसने इस बात से आपत्ति जताई तो बदमाश ने उस व्यक्ति पर लाठी डंडे से हमला कर दिया। पीड़ित व्यक्ति ने मामले की तहरीर लालगंज थाने में दी है, लेकिन पीड़ित का आरोप है कि अभी तक उसकी कोई भी सुनवाई नहीं हुई है। थाने हम इसलिए आए सर कि हम प्रधानी के तहत काम करा रहे थे, हम मेट हैं और वहाँ काम करा रहे थे और वो हमको बार बार मना करता कि मत करिए काम, मत करिए। इसी की वजह से वो हमको कई बार धमकी दिया और इस बार वो मारा भी बहुत। कौन है मारने वाला और किस चीज़ से मारा? मारने वाला संतलाल है सरोज और वो लाठी से मारे। अभी आप थाने आए हैं, अपनी एप्लीकेशन दिए तो क्या आश्वासन मिला थाने से? नहीं, एप्लीकेशन दिया तो सर उसका कुछ भी नहीं। वहीं औरैया जिले में यमुना नदी के किनारे बीहड़ घाटी में स्थित देवकली मंदिर का कुछ अलग ही नजारा है। श्रावण के पहले सोमवार पर भक्तों की काफी भीड़ देखने को मिली। वहीं मंदिर में सिर्फ हर हर महादेव और बम बम बोले के जयकारे लग रहे थे। साथ ही साथ इस मंदिर का प्राचीनतम इतिहास भी इसे विशेष बनाता है और साथ ही साथ हर साल इस शिवलिंग का अपने आप एक जौ के दाने बराबर बढ़ना भी इसकी एक खूबी है। वहीं प्रतापगढ़ में मेडिकल कॉलेज के आसपास मेडिकल स्टोरों पर मौत का खेल चलाया जा रहा है। शिना अस्पताल पर एक परिवार द्वारा आरोप लगाया जा रहा है। आपको बता दें कि महिला अस्पताल की डॉक्टर कुर्तुल पर परिजनों ने आरोप लगाया है कि 3 दिन पहले बुखार होने के चलते रूपा यादव को परिजन लेकर मेडिकल कॉलेज की महिला विंग पहुंचे थे,
जहां से आशा बहू ने मरीज को शिना मेडिकल कॉलेज स्टोर में संचालित हॉस्पिटल भेज दिया। वहीं 3 दिन से भर्ती महिला और उसके बच्चे की मौत हो गई। यही नहीं, मौत के बाद शव को बाहर रखकर मेडिकल स्टोर बंद कर संचालक मौके से फरार हो गए। जब इस बात की जानकारी परिजनों को हुई तो परिजनों ने हंगामा शुरू कर दिया। वहीं हंगामे की सूचना पर भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा और लगातार पुलिस इस मामले की कार्रवाई में जुटी हुई है। खबर औरैया से है, जहां रोडवेज बस स्टैंड पर सहायक उपसंभागीय परिवहन अधिकारी और यातायात विभाग द्वारा संयुक्त रूप से नेत्र परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया था, जिसमें रोडवेज के चालक और परिचालकों को यातायात नियमों का पालन कराए जाने की शपथ दिलाई गई। वहीं उनकी आंखों का परीक्षण भी किया गया। रोडवेज परिसर में आयोजित शिविर के दौरान सहायक उपसंभागीय परिवहन अधिकारी अशोक कुमार ने कहा है कि रोडवेज चालकों की यदि आंखें सही नहीं होंगी तो वह यात्रा को सुगम और यात्रियों को सुरक्षित उनके गंतव्य तक ले जा सकते। मुख्य देश जो है सड़क सुरक्षा का त्रैमासिक प्रोग्राम चल रहा है, उसके तहत आज रोडवेज परिसर में चालकों को अवेयरनेस प्रोग्राम के तहत अवेयर किया गया तथा आज चालक। वहीं बुलंदशहर में राष्ट्रीय लोक पार्टी के कार्यकर्ताओं ने SSP कार्यालय का घेराव किया है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले भाजपा के युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष दीपक दुलारा का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें उन्होंने अपने कुछ कार्यकर्ताओं के साथ अपने पैतृक गांव दुल्हेरा में पहुंचकर एक परिवार के साथ मारपीट की थी। वहीं पीड़ित परिवार गांव वालों के साथ मिलकर भाजपा जिला कार्यालय पहुंचे और दीपक दुल्हेरा को पार्टी से निष्कासित करने की मांग की है। पीड़ित परिवार का यह आरोप है कि पुलिस ने अभी तक मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी नहीं की है। वहीं SSP संतोष कुमार सिंह ने उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। मामला ये है कि जो आरोपी हैं, जिन्होंने वहाँ बदमाशी की है, जिन्होंने महिलाओं के साथ मारपीट की है, उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। हमारा इस उद्देश्य सिर्फ न्याय के लिए है, हम किसी की गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं करेंगे। देखिए, पूरा समाज इससे रोष है पूरे समाज में, और कहीं भी कोई किसी भी स्तर पर गुंडागर्दी करता है तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। सिकंदराबाद के दुल्हेरा गाँव है, जहाँ पे मारपीट की एक घटना हुई थी कि जो लोग आए थे, इस पक्ष के लोगों ने पहले प्रधानपति पवन के साथ मारपीट की, बाद में प्रधानपति के भाई दीपक दुलेरा इस प्रकरण में सामने आए और कुछ लोग उनके साथ और थे जिन्होंने मारपीट दोबारा की पहले पक्ष से। इस प्रकरण में दोनों पक्षों की ओर से मुकदमा दर्ज है कि जो लोग आए थे इस पक्ष ने जो मुकदमा लिखाया था उसमें 3 लोगों को, जिसमें दीपक दुलेरा के भाई पवन और 2 अन्य को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं गोरखपुर में एक युवक ने दोस्तों के साथ मिलकर अपने ही चाचा को मौत के घाट उतार दिया। झाड़फूंक और टोना टोटका के चक्कर में पड़कर भतीजे ने अपने दोस्त के साथ मिलकर अपने चाचा की गला रेत कर निर्मम हत्या को अंजाम दिया है। अभियुक्त चंद्रकेश को शक था कि उसके चाचा मृतक हरि नारायण यादव ने उसके परिवार के ऊपर टोना टोटका किया था, जिस कारण उसके परिवार वाले हमेशा परेशान रहते थे। इसलिए उसने अपने दोस्त के साथ मिलकर अपने ही चाचा की गला रेत कर हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और जेल भी भेज दिया है। झंगहा में दिनांक 23/7 को एक हरिनारायण नामक व्यक्ति की हत्या कर दी गई थी, तो उसी के जो सही अभियुक्त हैं उनकी गिरफ्तारी की गई है और उस संबंध में आप लोगों को जानकारी दी जा रही है। ये हरिनारायण के ऊपर जो इसका भतीजा है, उसको शक था कि वो सुखौती कराता है, जादू टोना कराता है, जिससे कि उसका व्यापार और उसके पिताजी की मृत्यु हुई है। तो इसने उसको कटवाने के लिए भी कई सोखा लोगों से संपर्क किया, लेकिन कोई उससे लाभ नहीं हुआ, तो इसने आजमगढ़ में रहने वाले अपने एक दोस्त के साथ। सहारनपुर पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है। सहारनपुर के थाना नगर कोतवाली क्षेत्र से 2 दिन पहले नाबालिग लड़की लापता हो गई थी, जिसके बाद परिजनों ने थाने में तहरीर दी थी और पुलिस ने लड़की को तहरीर के 24 घंटे बाद ही बरामद कर लिया है। आपको बता दें कि किशनपुरा में रहने वाली एक नाबालिग लड़की को एक युवक द्वारा बहला फुसला कर अगवा कर लिया गया था। वहीं परिजनों ने बच्चे की काफी तलाश की, लेकिन जब बच्ची देर रात तक नहीं मिली तो परिजनों ने संबंधित थाने में तहरीर दी है।
पुलिस ने तहरीर के आधार पर बच्ची को 24 घंटे के अंदर ही अलीगढ़ से बरामद किया है और आगे की कार्रवाई भी पुलिस ने शुरू कर दी है। ये थाना कोतवाली नगर का मामला है, ये परसों की घटना है। एक किशनपुरा मोहल्ले की एक लड़की थी जो गायब हो गई थी, बाद में उसके परिजनों ने उसके अपहरण का एक मामला थाना कोतवाली नगर में लिखाया था। लड़की की तलाश की गई तो लड़की जो अपहृता थी वो बरामद हो गई है और उसके वो जिसके साथ गई थी उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। लड़की के बयान आदि कार्रवाई की जा रही है और बयान के आधार पे उसके अलावा भी अगर कोई लड़का उसमें शामिल है तो उस पर हम विधिक कार्रवाई करेंगे। पुलिस ने बड़ी तत्परता से इसमें कार्रवाई करते हुए अपहृता की बरामदी और मुलजिम की गिरफ्तारी सुनिश्चित की है। परसों रात 8 बजे के करीब ये लड़की अपने घर से गायब हुई। परिवार वाले काफ़ी परेशान हुए, आसपास ढूंढा। जब काफ़ी क्षेत्र में ढूंढने के बाद 10 बजे करीब इन्होंने आपका घंटाघर पुलिस चौकी पे रिपोर्ट करी, तो उन्होंने भी काफ़ी इधर उधर मशक्कत करी, पुलिस भेजी आप उसमें, लेकिन उसकी फिर तहरीर लिखी गई यहाँ पे आगे। लेकिन उसके बाद रात में ही पुलिस एक्टिव हो गई थी। रात 2 बजे के करीब मेरे पास आए थे ये, कि जब परेशान हो गए तो यहाँ पे फ़ोन हुआ, तो उसके बाद से ये पुलिस एक्टिव हो गई। और कल सुबह जब बात हुई तो पुलिस को कुछ ना कुछ क्ल्यू मिल चुके थे, उन्होंने कहा हम 24 घंटे में बरामद कर देंगे। और हुआ भी ऐसे, पुलिस ने अपनी कार्रवाई तो बहुत अच्छी की, लेकिन जो कंडीशन है कि बेला फुसला के जो लेके गए थे और उसके बाद वहाँ से जो भी लड़की के साथ हुआ, अभी लड़की के बयान बाकी हैं, लेकिन जो हमें पता चला है कि गलत कार्य रहा है, तो उसके लिए हम निंदा भी करते हैं और पूरी पुरजोर मांग करते हैं कि सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, उसको अपना उम्र कैद की सजा मिले और साथ ही साथ जो भी इस वहीं अलीगढ़ पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। अलीगढ़ कप्तान के आदेश के बाद चलाए गए अभियान से अलीगढ़ जिले में अब तक का सबसे बड़े अंतरजनपदीय बच्चा चोर गैंग का खुलासा किया गया है, जिसमें अलीगढ़ पुलिस के द्वारा बड़ी कार्रवाई करते हुए 16 अभियुक्त और उनकी निशानदेही पर 5 बच्चे बरामद कर लिए गए हैं। आपको बता दें कि पुलिस चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पुलिस के द्वारा पूरे मामले में अब तक 16 अभियुक्तों के पास से 5 बच्चे भी बरामद किए गए हैं। बच्चा चुराने वाले, उनको मध्यस्था कर बेचने वाले और खरीदने वाले, इस तरह के अपराधी व्यक्ति, इनके पूरे गैंग का पर्दाफाश किया गया है। ये एक अंतरजनपदीय गैंग है और 16 लोगों को अब तक पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है। ये भी बता दें कि अभूतपूर्व कार्रवाई करते हुए एक ही रात चले इस ऑपरेशन में 5 बच्चे अलग अलग स्थान से पुलिस द्वारा बरामद किए गए हैं और ये बच्चे सुल्तानपुर में अपराधियों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। हाल ये है कि सुल्तानपुर के गोसाईगंज थाना क्षेत्र के घुंघरू गाँव में एक घर के बाहर घूम रहे युवक का बदमाशों ने असलहे की नोक पर मोबाइल छीन लिया। वहीं युवक ने जब इसका विरोध किया तो बदमाशों ने उसे चाकू मारकर घायल कर दिया और मौके से फरार हो गया। आनंद फानंद में युवक को जिला अस्पताल में लाया गया है, जहां हालत गंभीर देखकर डॉक्टर ने युवक को लखनऊ रेफर कर दिया। वहीं पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। वहीं सहारनपुर के दिल्ली रोड हाईवे को एम्बुलेंस कर्मियों ने धरना प्रदर्शन कर जाम किया है। एम्बुलेंस कर्मियों की मांग है कि ठेकेदारी को खत्म किया जाए। वहीं उन्होंने कहा है कि अन्य कंपनी के द्वारा ठेकेदारी मिलने पर पुराने एम्बुलेंस कर्मियों को न हटाया जाए। अपनी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर वो प्रदर्शन कर रहे हैं। आज सावन का पहला सोमवार है। हिंदू धर्म में सावन मास में सोमवार का विशेष महत्व होता है। इस मास में भगवान शिव की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। सावन का महीना भोले शंकर को अत्यंत प्रिय है। शिव भक्त भोलेनाथ की कृपा पाने के लिए रुद्राभिषेक और व्रत करते हैं। इसी को लेकर हमारी संवाददाता श्वेता मनकामनेश्वर मंदिर पहुंची और इस पर एक खास पेशकश भी की है। तो आपको छोड़ जाते हैं इसी रिपोर्ट के साथ, हमें दीजिए इजाजत।
का पवित्र महीना आखिर आ ही गया। इसे श्रावण महीने के रूप में भी जाना जाता है और हिंदू धर्म का पालन करने वाले लोगों के जीवन में इसका बहुत महत्व है। ये महीना भगवान शिव को समर्पित है और ये हिंदू कैलेंडर के पांचवें महीने में आता है। आमतौर पर ये जुलाई और अगस्त के बीच मनाया जाता है। इस वर्ष 24 जुलाई 2021 को आषाढ़ मास की समाप्ति के बाद 25 जुलाई से सावन की शुरुआत हो रही है। हमारे साथ मौजूद हैं, वो क्या सोचते हैं इस श्रावण मास को लेकर, सावन के महीने को लेकर? आपका नाम क्या है? जी रेखा। जी रेखा। रेखा रेखा, रेखा जी आ जाओ। वो सावन का पहला सोमवार है, आप उसकी क्या मान्यता होती है इसकी? सावन मास की तो बहुत मान्यता होती है, सब भोले बाबा सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। हाँ। और कितने दूर दूर से भक्तगण आते हैं यहाँ पर मनकामेश्वर में, हम तो खैर यहीं पास से ही आए हुए हैं। अच्छा, आपने व्रत रखा है क्या? हाँ जी। तो क्या मनोकामना है आपकी? वही जो लड़कियों की होती है। औरों की होती है? लड़कियों की होती है, हर लड़कियों। हाँ जी भैया, इन्होंने भी अपने वर की तलाश में आज भोले को प्रसन्न करने का पूरा प्लान बना रखा है। आचल आचल आचल, आज ये आज सावन का सोमवार है, तो क्या आपने व्रत रखा है? हाँ जी। क्या मनोकामना है आपकी? जो सबकी रहती है, खुश रहना, मतलब फैमिली के लिए, सबके लिए। अच्छा, ये सावन के सोमवार में व्रत क्यों रखा जाता है? जितना सुना है, आई थिंक हस्बैंड के शिव जी जैसा पति मिले, इसके लिए रखा जाता है। इन्होंने तो अपनी मन की मुराद बता दी है कि वो अपने एक अच्छे वर की तलाश की वजह से इन्होंने ये सावन का सोमवार। क्या नाम है आंटी आपका? विनीता जायसवाल। विनीता जी, आज सावन का पहला सोमवार है, उसमें क्या खास आप कर रही हैं? भगवान जी के दर्शन मिल जाए, इससे बढ़िया और क्या होगा, तो उसी लिए आए हैं दर्शन करने। सोमवार की पहली की जाते हैं, फास्ट करते हैं सावन के सोमवार में। अरे, सावन के सोमवार की क्या मान्यता होती है, क्यों ये इस तरीके से भोले को प्रसन्न किया जाता है? उनका क्योंकि वो हुआ था, शादी हुई थी, तो इसीलिए उनको प्रसन्न किया जाता है। बहुत सी लड़कियां रहती हैं व्रत, लड़के भी रहते हैं अब तो व्रत। आपने व्रत किया है? हाँ, अभी तक तो किया हुआ है। हमारे साथ विनीता जी थी, जिन्होंने बताया कि सावन के सोमवार एक ऐसा सोमवार होता है जिसमें भोले को बहुत अच्छे से प्रसन्न करने के लिए सब लोग लगे रहते हैं। सावन का समापन 22 अगस्त रविवार को होगा। ये महीना प्रार्थना, भक्ति और उपवास का है। देश भर में भक्त इस महीने को भगवान शिव की पूजा करके मनाते हैं। श्रावण मास के दौरान सोमवार को विशेष रूप से भगवान शिव को समर्पित किया जाता है। भक्त उपवास रखते हैं और भगवान को दूध, जल और बिल्व पत्र चढ़ाने के लिए मंदिरों में जाते हैं। कई भक्त, विवाहित और अविवाहित दोनों महिलाएं, श्रावण महीने के पहले सोमवार को अपना 16 सोमवार व्रत शुरू करते हैं। भोले बाबा को प्रभावित करने के लिए इन मंत्रों का जाप करें। पवित्र महीने के दौरान महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। शिव मूल मंत्र का जाप करें, ओम नमः शिवाय। इस मंत्र का अर्थ है, मैं आपको नमन करता हूँ, हे सर्वोच्च भगवान जो मेरी चेतना में मौजूद हैं। आइए ले चलते हैं आपको लखनऊ के मनकामेश्वर मंदिर, जहां भक्तों ने भगवान शिव की पूजा अर्चना की। इस पे हमारे संवाददाता श्वेता गर्ग ने बात की यहां के महंत दिव्या गिरी जी से। ओम त्रयंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टि वर्धनम उर्वा रुक्मिव बंधना मृत्यु मूर्षि मामृतात। जी हाँ, श्रावण मास के शुरू होते ही सावन का महीना लग जाता है, जिसमें विशेष तौर पर भोले की पूजा अर्चना शुरू हो जाती है। ऐसे ही आज सावन का पहला सोमवार है और यहाँ पर मनकामेश्वर मंदिर में भक्तों की कतार लगातार लग गई है। इस महीने की क्या खासियत होती है, सीधे बात करते हैं महंत दिव्या गिरी से। वो हमें बताएंगी कि किस तरीके से इस महीने की खास होती है और इस बार का जो श्रावण मास है, सावन का महीना है, उसमें क्या खास है। सीधे बात करते हैं दिव्या गिरी जी से।
दिव्या जी, अब श्रावण मास शुरू हो चुका है, सावन का महीना लग चुका है, इस बार का जो श्रावण मास है उसमें क्या खास है? देखिए, चूँकि कोरोना काल के तुरंत बाद का जो हमारा दूसरा महापर्व है शिवरात्रि के बाद, वो सावन है। शिवरात्रि में सारे लोग बहुत डरे सहमे थे और उतना बाहर नहीं निकल पाए भगवान के पूजन अर्चन के लिए, परंतु अभी आप भीड़ को देख के ये समझ में आ रहा होगा कि वो लोग बिल्कुल भी डर नहीं रहे हैं और भोलेनाथ की भक्ति के लिए बिल्कुल तत्पर हैं। आग्रह मंदिर के द्वारा और प्रशासन के द्वारा ये किया गया था कि मास्क अवश्य लगा के रखें। दूरी चूँकि इतना क्राउड है तो दूरी तो नहीं मेंटेन हो पा रही है, परंतु हम लोग ने गोले और लाइन बना के रखा था कि अगर ऐसी कोई स्थिति होती है तो हम लोग उचित पालन करवा पाएंगे। कहने का मात्र तात्पर्य यह है कि अगर हम स्वस्थ रहना चाहते हैं और स्वस्थ होना चाहते हैं तो भगवान की भक्ति तो है ही, आस्था उनके प्रति और श्रद्धा में कहीं किंचित भी किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, परंतु हम जब स्वस्थ रहेंगे तभी हम मंदिर तक आ सकते हैं और तभी अन्य कार्यों को संपादित कर सकते हैं। तो मेन फोकस अपने स्वास्थ्य को लेकर आपको रखना चाहिए, और दूसरा कि बीमारी हम लोग ने मान लिया है कि खत्म हुई है, परंतु अभी खत्म नहीं हुई है, कम ज़रूर हो गई है, इसलिए सावधानी के साथ में आप दर्शन पूजन करें। सावन का चूँकि एक ऐसा पूरा माह होता है कि आदमी 30 दिन 40 दिन का व्रत मानता है, फिर वो मंदिर दर्शन करने आता है, तो सब कुछ अपनी जगह पे ठीक है, ईश्वर करे, भोलेनाथ करे, सारे लोग स्वस्थ रहें, परंतु जो क्राउड है, क्राउड को देखते हुए थोड़ा सा अंदेशा होता है कि ऐसा अगर बार बार होता रहा तो जो अंदेशा माना गया है थर्ड वेव का, जो एक डर माना गया है, वो कहीं किंचित कम रहे तो ज़्यादा बेहतर है। हम लोग का प्रयास होना चाहिए कि हम लोग ऐसे दर्शन पूजन अर्चन करें मंदिर आगे कि एक दूसरे से दूरी बनी रहे और कोविड की जो गाइडलाइन है वो थोड़ी बहुत पालन होती रहे। दिव्या जी, हमेशा सावन के सोमवार में मतलब कोई ना कोई एक खास महत्व रहता है, इस बार क्या महत्व है सावन के सोमवार में, क्या ऐसी कौन से हम शुभ काम इस बार में कर सकते हैं, किस तरीके से हम अपने भोले को प्रसन्न कर सकते हैं? देखिए, हमारे भारतीय या यूँ कहें कि सनातन संस्कृति में एकमात्र ईष्ट या देवता हमारे ऐसे होते हैं जो बिल्कुल आडंबर रहित होते हैं, किसी प्रकार की कोई बाहरी आडंबरा की कोई आवश्यकता नहीं होती, नाना प्रकार के जो अन्य पदार्थ होते हैं, द्रव्य होते हैं, वो उनको नहीं सुहाते हैं, मात्र वो एक लोटे जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं और उतने से ही हम पे अपनी प्रसन्नता का बोध भी कराते हैं। तो आप जल चढ़ाएं, और चूँकि पूरा माह एक प्रकृति के संदेश को दे रहा होता है कि जल के संरक्षण को कैसे करें, चूँकि देखिए गर्मी भीषण पड़ रही है, सारे वातानुकूलित जो हमारे इंस्ट्रूमेंट है सब फेल हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं प्रकोपित तो पृथ्वी है, तो पेड़ पौधों को कैसे हम इस माह अधिक से अधिक लगा सकते हैं, इनके आराधना में शामिल करना चाहिए, मंदिर हो या तट हो या आसपास के ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ पे आपको लगे कि पेड़ नहीं है, पेड़ लगाना चाहिए, मंदिर छोटा है या जगह छोटी है, तुलसी का पेड़ या जो आपको ऑक्सीजन दे सके ऐसे पेड़ों को लगाना चाहिए, तब आप कहीं कहीं सावन की सार्थकता होगी। अच्छा दिव्या जी, आपकी तरफ से हमेशा कोई ना कोई आयोजन रहता था और हमेशा कहीं ना कहीं आप आयोजन कराती, इस बार भी क्या कोरोना की वजह से आप कुछ आयोजन कराएंगी या कोरोना की वजह से आप आयोजन नहीं कराएंगे? देखिए, चूँकि मंदिर का परिसर छोटा है तो हम लोग उतने बड़े स्तर पे तो नहीं करते थे, जैसे सुबह बारात है तो उसके लिए हमारा परिसर छोटा पड़ता था, तो इस बार बच्चों और बुज़ुर्गों के लिए थोड़ा सा विशेष ध्यान में रखते हुए हम लोग ने ये कार्य किया है कि हम लोग ने सुगम दर्शन का एक प्रावधान लिया है कि जो कार्यालय जा रहे हैं या जो व्यस्त हैं युवा या जो लाइन में इतने घंटे नहीं लग सकते हैं वो अपने सुगम दर्शन करें। manakameshwarmathmandir.com करके अगर आप वेबसाइट पे जाएंगे तो वहाँ पे सारी जानकारी उपलब्ध है, आप वहाँ पे जाएं। हाँ, एक विशेष आग्रह रहेगा कि बुज़ुर्ग और बच्चे अभी अवॉइड करें इस महामंदिर आने के लिए। मनकामेश्वर मंदिर की महन दिव्या गिरी से हमने बात की, उन्होंने बताया कि किस तरीके से उन्होंने कोरोना को देखते हुए काफ़ी व्यवस्था कर रखी है और उसके चलते यहाँ पे सावधानी भी बरती जा रही है कि लोगों को मास्क के लिए बताया जा रहा है और दूरी के लिए भी बोला जा रहा है और यहाँ पे मार्किंग भी कर रखी है ताकि लोग उस मार्किंग का पालन करें, ताकि कोरोना की अभी, क्योंकि कोरोना का कहर अभी ख़त्म नहीं हुआ है और वो भी अभी निरंतर चल रहा है और पूजा भी अपनी जगह एक है, इसकी वजह से इन्होंने एक सुगम दर्शन के नाम से एक ऑनलाइन एक इन्होंने ऐप ऐसे बनाया है जिससे आप उसमें दर्शन कर सकते हैं और अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए प्रेयर कर सकते हैं। कैमरा पर्सन रणधीर के साथ मैं श्वेता गर्ग, प्राइम टीवी, लखनऊ।